अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना टाइमर बनाएंगे। ठीक है, टाइमर का मतलब क्या है? हम लोगों ने टैप काउंट बना लिया, ठीक है, हम लोग अब टैप कर रहे हैं तो हमारे पास एक काउंटर चल रहा है कि हम लोगों ने कितनी बार टैप करा है। लेकिन आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों के साथ अपने गेम का आइडिया शेयर किया था तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि हम लोग इस गेम के अंदर एक स्पेसिफिक टाइमर चलाएंगे कि 60 सेकंड्स के अंदर हम लोग कितनी बार टैप कर सकते हैं और बेस्ड ऑन कौन सा लेवल चल रहा है हम उसको एडजस्ट करेंगे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए। तो जो बेसिक मैकेनिक्स है उसके अंदर हम लोगों को एक टाइमर भी चाहिए जो कि 60 सेकंड्स का होगा। हम लोग उसको सेट कर सकते हैं, भले 50 रखें, 60 रखें, 120 रखें, इतने मिनट का चलता है। वो किस तरीके से होता है और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम की क्लास का, वो क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम होता है, कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, मतलब मैंने VS भी खोल के रखा हुआ था इस बार, तो क्योंकि वो बिला वजह में हर बार फुदकता है और मुझे देर लगती है, इससे बेहतर ये था कि मैंने पहले से ही स्क्रिप्ट खोल के रखूँ। अब देखो, हम लोगों को एक टाइमर बनाना है। आप लोग सबसे पहले ये वाली बात समझो कि टाइमर किस चीज़ का पार्ट है। कोर मैकेनिक्स है, ठीक है, कोर मैकेनिक्स वाली चीज़ गेम मैनेजर के अंदर जाएगी। टाइमर चूंकि चल रहा होगा लेकिन हम लोग यहाँ पे भी शो करवा रहे होंगे ना UI के अंदर, ठीक है, गेम के अंदर हम लोग शो करवा रहे होंगे कि हमारा इतना टाइम रह गया है। वो किसका पार्ट होगा? वो UI मैनेजर का पार्ट होगा क्योंकि वो टेक्स्ट अपडेट कर रहा है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट अपडेट करवाया था ना, पूरा फ्लो समझाया था आपको। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो टेक्स्ट को इस तरफ करो, कॉपी कर लेंगे मैकेनिक्स, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ देखो, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, अपने गेम मैनेजर के अंदर एक वेरिएबल बनाऊँगा जो कि टाइमर होगा, ठीक है, मतलब इसके अंदर टाइमर की वैल्यू स्टोर होगी। तो मैं काम करता हूँ पब्लिक। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? मैं एक टाइमर बना रहा हूँ, ठीक है, एक टाइमर बना रहा हूँ जो कि मतलब चलेगा एक सेकेंड, फिर मिली सेकेंड्स के अंदर भी जाएगा अपनी कैलकुलेशन के अंदर। मैं यहाँ पे इंटीजर के बजाय ना मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फ्लोट, ठीक है। फ्लोट जो है वो एक्चुअल में डेसिमल पॉइंट्स को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जो कि 1, 2, 3 है वो आप इंटीजर के अंदर रखोगे, लेकिन अगर 1.5 है, 1.6 है, वो आप फ्लोट यूज़ करोगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे फ्लोट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको दिया टाइमर, टाइमर वैल्यू, या चलो टाइमर रख दिया। और मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर वो हमारे पास मॉडिफाई कर सकते हैं हम उसको, कि रन टाइम के ऊपर हम सेट करते हैं कि यार हमें 50 सेकंड्स का टाइमर चाहिए, या हमें 25 सेकंड्स का टाइमर चाहिए, या हमें 30 सेकंड्स का टाइमर चाहिए। एक तरीका उसका ये हो सकता है कि मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे 25 लिख दूँ, 30 लिख दूँ, मैं नहीं कर रहा, सही है। इसको करने के बजाय मैं एक सेपरेट वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ एडिटर के थ्रू, ठीक है, इंस्पेक्टर से, और वहाँ पे मैं 25 दे दूँ, 30 दे दूँ, तो उसी के हिसाब से टाइमर चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसको भी मैं रखता हूँ फ्लोट और डिफ़ॉल्ट टाइमर वैल्यू, ठीक है, मैंने इसका नाम प्रॉपर रख दिया कि भाई डिफ़ॉल्ट जाकर टाइमर है ना वो मुझे इतना चाहिए, या स्टार्ट टाइमर वैल्यू, या जो समझ में आए, ठीक है। अब मुझे यह करना है, मुझे इस टाइमर की वैल्यू के अंदर से ना सेकेंड्स माइनस करवाने, समझने की कोशिश करना, मुझे सेकेंड्स माइनस करवाने, और ये काम अपडेट के अंदर होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे हर सेकेंड में कोई ना कोई वैल्यू माइनस करवानी होगी अपने वेरिएबल से। तो अगर मैं 60 बोल रहा हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि एक सेकेंड के अंदर उसके अंदर से 1 माइनस हो जाए, ठीक है। अगर मैं 60 का टाइमर लगा रहा हूँ तो मैं क्या चाहूँगा, मैं ये चाहूँगा कि मेरे पास एक सेकेंड के अंदर 1 माइनस हो जाए ताकि वो 59 के ऊपर आ जाए, देन अगले सेकेंड 58 के ऊपर आ जाए, चलते चलते 0 के ऊपर आ जाए। अपडेट के अंदर काम होगा ना ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, मैं एक काम पहले ही करता हूँ, इसको मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना फिलहाल यहाँ से दे देता हूँ, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट के फंक्शन के अंदर टाइमर इक्वल्स टू डिफ़ॉल्ट टाइमर वैल्यू। अब ये मैं कर क्यों रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भले मैं एडिटर से अगर ये इसकी 30 के बजाय 50 कर दूँ, 60 कर दूँ, तो ये जो हमारा एक्चुअल टाइमर है ये अपनी वैल्यू एडजस्ट कर ले, कि इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 30 सेट हो जाए, वो 50 सेट हो जाए, वो 60 सेट हो जाए,
ठीक है, ताकि अपने आप को डिक्रीज करने से पहले ये अपनी वैल्यू एडजस्ट कर ले। तो स्टार्ट के अंदर हम लोगों ने ये वाला काम कर लिया। अब मुझे इसकी वैल्यू रिड्यूस करवानी है कि अगर ये टाइमर 30 सेकंड्स का है तो ये हर सेकंड एक एक माइनस करता रहे। अपडेट के अंदर काम हुआ है क्योंकि यार कंटिन्यूसली चीज़ जो है ना चल रही है, तो मैं यह कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर यह करूँगा। मतलब हमारी लॉजिक के हिसाब से इसका काम क्या होना चाहिए, हमने जब टैप काउंट के अंदर प्लस वन करवा रहे थे तो हम लोगों ने ऐसे ही प्लस वन लिखा था ना, एक काम करते हैं ठीक है, इसके अंदर से माइनस वन करवा के देखते हैं ठीक है, माइनस वन करवा के देखते हैं और टेस्ट करते हैं ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे ओके यहीं पे ऊपर डिबग लॉग लगा देता हूँ, डिबग लॉग टाइमर और प्लस टाइमर, टाइमर बस सिर्फ डिबग लॉग लगा दिया। अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो मतलब हमारा टाइमर रिड्यूस होना चाहिए ना, 30 से शुरू हुआ आना चाहिए उसको एक एक सेकंड के अंदर। प्ले करके देखते हैं ठीक है, हमने जैसे ही इसको प्ले करा है तो अभी हम लोगों ने टेक्स्ट एडजस्ट नहीं करा है, मतलब गेम ऑब्जेक्ट सेट नहीं करा है, तो आप एक चीज़ देखोगे कि यार ये तो इसने 30 सेकंड्स तो वेट नहीं करा और ये भाई ये तो पहुंच गया नीचे, जाता ही जा रहा है मतलब जाता ही जा रहा है यार, नहीं रुक नहीं रहा। और आप एक और चीज़ देखोगे कि हमने 30 सेकंड्स का टाइमर लगाया था जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो इसने एक सेकंड भी वेट नहीं करा और बिल्कुल ही पीछे लेके चला गया ठीक है, बिल्कुल ही पीछे लेके चला गया। अब आप ना यहाँ पर ये समझो कि हम अपडेट के अंदर काम करवा रहे हैं, अपडेट चलता है फ्रेम्स पर सेकेंड के ऊपर ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये हर फ्रेम के ऊपर चली है ठीक है। अगर आइडियल सिचुएशन के ऊपर मैं जाऊं तो हमारे पास अगर 60 FPS आते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हमारे गेम 60 FPS के ऊपर चलता है, इसका मतलब है कि जो अपडेट का फंक्शन है ये एक सेकंड के अंदर 60 टाइम्स चला है, सही है, अपडेट का फंक्शन एक सेकंड के अंदर 60 टाइम्स चला है। तो अगर ये वाली लॉजिक है माइनस वन वाली तो ये तो नहीं चल सकती ठीक है, हमें एक वन या हमें हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें जब हमारा गेम फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर चल रहा है तो हमें वो वैल्यू चाहिए जो कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच का टाइम है, बहुत छोटी वैल्यू होगी वो ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 0.0000 कुछ हो सकती है या 0.00 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, छोटी वैल्यू चाहिए। अब हम कहाँ से लेकर आए वो, ठीक है, हमें अपना अपडेट जो है 60 फ्रेम्स के ऊपर चल रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें 1 नहीं चाहिए, हमें 2 नहीं चाहिए डिक्रीज करवाने के लिए, हमें वो टाइम चाहिए जो कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच का है, वो हमें मिलता है टाइम की क्लास से ठीक है। यूनिटी ने हमें एक क्लास प्रोवाइड करी हुई है जिसके अंदर से हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, मतलब हम पूरे गेम का टाइम एडजस्ट करते हैं ठीक है, गेम वर्ल्ड के अंदर का जो टाइम है वो एडजस्ट करते हैं। अगर आपको कोई गेम स्लो मोशन में चलता हुआ दिखता है तो वहाँ पे भी हम लोग यही वाली चीज़ कर रहे होते हैं कि टाइम को छेड़ते हैं, टाइम को स्लो करते हैं, वही स्लो मोशन इफेक्ट बनता है, सही है। नॉर्मल जो टाइम की वैल्यू अगर 1 है ठीक है, नॉर्मल जो वर्ल्ड के अंदर 1 है, अगर उसको 0.5 कर दें तो वो स्लो मोशन के अंदर चलना शुरू हो जाता है ठीक है। तो हमें वो टाइम चाहिए जो कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम का टाइम है, तो हमें उसके लिए एक क्लास मिलती है टाइम, और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है डेल्टा टाइम। अगर आपने कहीं भी ट्यूटोरियल फॉलो करा है, कोई भी मतलब लेक्चर देखा है, ज़रूरी नहीं है मेरा, या कहीं भी देखा है, तो आपको टाइम डॉट डेल्टा टाइम मिलेगा हर जगह पर, लेकिन आपको इसकी डेफिनेशन जो है ना बहुत मुश्किल से मिलेगी, ठीक है, समझने में आप लोगों को बहुत मुश्किल होगी, लेकिन आसान अल्फाज में सिर्फ ये समझो कि टाइम डॉट डेल्टा टाइम की जो प्रॉपर्टी है वो यूनिटी खुद से कैलकुलेट करता है ठीक है, खुद से कैलकुलेट करता है जब आपका इंजन चल रहा होता है, आपने प्ले का बटन दबाया हुआ होता है, और जो डेल्टा टाइम है ये एक्चुअल में एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच का टाइम होता है, ठीक है, बीच का टाइम होता है। तो हमारे पास अगर 60 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर गेम चल रहा है, इसका मतलब है एक सेकंड के अंदर ये अपडेट 60 बार चलेगा ठीक है। हमें चूंकि फ्रेम्स भी एग्जैक्टली नहीं पता होते कि यार हमारा गेम कितने FPS के ऊपर चल रहा है, एग्जैक्टली नहीं पता होता, सो कैलकुलेट करना पड़ता है।
तो हमें वो जो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच का जो टाइम मिलता है वो इस प्रॉपर्टी से मिलता है, टाइम डॉट डेल्टा टाइम से, ठीक है, टाइम डॉट डेल्टा टाइम से। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने इस टाइमर के अंदर, ठीक है, इस टाइमर के अंदर से हमने टाइम डॉट डेल्टा टाइम माइनस करवाया है। अब अगर ये 60 बार चलेगा तो वो जो जितने भी FPS के ऊपर हमारा गेम चल रहा है, एक सेकंड के अंदर ये एक ही काउंट होगा, छोटी छोटी वैल्यूज जो है ना बढ़ के वो बन जाएंगी एक सेकंड। तो अब एक और काम करते हैं, टाइमर माइनस को बजाय ना माइनस इक्वल्स टू शॉर्ट हैंड वे यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि टाइमर की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होगी हर फ्रेम के ऊपर, लेकिन हर फ्रेम के ऊपर चूंकि बहुत छोटी सी वैल्यू होगी उसकी वजह से एक सेकंड के अंदर एक ही रिड्यूस होगा, क्योंकि हमारा गेम फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर चल रहा है। दोबारा देखना इस वीडियो को, लाजमी देखना, खुद से भी सर्च करना कि टाइम डॉट डेल्टा टाइम एक्चुअल में है क्या, फ्रेम्स पर सेकंड क्या है, FPS क्या है, अपडेट मतलब किस तरीके से चलता है। मैंने आपको मिसाल दी भी अपडेट की, ठीक है, वो वीडियो लाजमी जाके देखना। तो अब चेक करते हैं कि अब हमारे पास जो है वो टाइमर क्या आता है। हमने इनिशियली जो टाइमर की वैल्यू है वो 30 दी हुई थी, ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू सेट करी और उसके बाद यहाँ पर टाइम डॉट डेल्टा टाइम उससे अंदर से रिड्यूस करवाया है। अब हर सेकंड के अंदर चेक करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे गेम प्ले करा और गेम प्ले करने के बाद वो माइनस इतना उसके अंदर चला गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, हमारे पास कहाँ मसला आ रहा है, ठीक है, कहाँ मसला आ रहा है, टाइमर इज इक्वल्स टू ये एक मिनट, टैप काउंट टेक्स्ट, और यहाँ पे गलती हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो गलती क्या हो रही थी, मैंने यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको 30 सेट करा हुआ है, लेकिन जब मैं इंस्पेक्टर के ऊपर मैंने देखा, हमारे पास मसला ये आ रहा था ना कि 0.02 से स्टार्ट हो रहा था। वजह ये है कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट टाइमर की वैल्यू है वो इंस्पेक्टर से 0 सेट हुई हुई थी। तो मैं यहाँ पे 30 अगर कर दूँ, ठीक है, 30 अगर कर दूँ तो अब ये अपनी वैल्यू जो टाइमर का वेरिएबल है ये अपने स्टार्टिंग की वैल्यू 30 कर लेगा। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखो क्या हो रहा है, 29, ठीक है, और ये छोटी छोटी सी वैल्यूज रिड्यूस करके जो है अभी मतलब क्या चल रहा है, 18, 17, यहाँ से देखो 16, 15, ठीक है, ये चलती भी आ रही है यहाँ पे 12, 11, 10, 9, 8, ठीक है, आपका टाइमर चल गया। आप क्या करते हो, हमेशा जब भी आप टाइमर बनाते हो तो आप टाइम डॉट डेल्टा टाइम यूज़ करते हो, क्योंकि आप कोई छोटी वैल्यू अपने पास से हार्ड कोडेड नहीं लिखते। आप एक्चुअल में दो फ्रेम्स के बीच का टाइम आपको चाहिए होता है रिड्यूस करने के लिए, ताकि आपका रियलिस्टिक टाइमर चल सके सेकेंड्स के हिसाब से। मुझे यकीन है आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजिंग जो है ना, कन्फ्यूजन होगी, बहुत ज़्यादा होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन आप नोट्स बनाओ, लाजमी नोट्स बनाओ। नोट्स बना के ना आप पॉइंट्स लिखो, पॉइंट लिखने के बाद आपके जहन में ये चीज़ बैठेगी। अपडेट वाली वीडियो देखना लाजमी और ये वाली देखना। अब देखो भाई, काम ख़त्म नहीं हुआ अभी। यहाँ पर हम लोगों ने अपना टाइमर तो बना लिया, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे टाइमर की वैल्यू थी, लेकिन अब हमें इसको टेक्स्ट के अंदर एडजस्ट करवाना है ना, मतलब टेक्स्ट के अंदर शो करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों ने टैप काउंट का टेक्स्ट किया था, वो जिस तरीके से टैप काउंट का टेक्स्ट किया था वही काम अब हम यहाँ कर रहे हैं। ये वाला काम है आपके असाइनमेंट का, ठीक है, काम हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके अंदर टैप काउंट का टेक्स्ट था, उसके अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट शो करवाया था, ठीक है, शो करवाया था। अब आप लोगों को क्या करना है कि अभी तो ये यहाँ पे कॉन्सोल के ऊपर दिख रहा है ना, मतलब मैं अगर इसको प्ले करूँ तो यहाँ पे ये नीचे कॉन्सोल के ऊपर शो हो रहा है ना। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट गेम ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है, टेक्स्ट गेम ऑब्जेक्ट बना के आपको इसे यहाँ पे शो करवाना है, ठीक है, मतलब गेम के अंदर शो करवाना है कि 30 से लेके आपके पास 0 तक जाए। ठीक है, एक मसला आएगा आपके पास, मुझे यकीन आएगा, वो मसला किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो भाई अब अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ी है ना, या इस गेम को आप हल्का ले रहे थे, आपने थोड़ा सा इसको अंडर एस्टिमेट करा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, नोट्स अगर आप नहीं बनाओगे आपको समझने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर आपने एक बार नोट्स बना लिए ना, आपके इंटरव्यूज़ भी निकल जाएंगे, ठीक है, गेम डेवलपमेंट के आपके इंटरव्यूज़ तक निकल जाएंगे अगर आपने इन छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर ध्यान दिया। सही है, प्रैक्टिस करो लाजमी, कोई क्वेश्चन है ग्रुप के ऊपर पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। बाकी एक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।